टूअर्स, आइए आपको लक्ष्मी के घर का होम टूर कराती हूँ। आइए वीडियो पर बने रहिए। इस घर में मैं पूजा करती हूँ, आप देख रहे हैं मेरा मंदिर। इस मंदिर को कहते हैं स्वामी रूम। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्यारा किचन। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इस पर बनाती है लक्ष्मी डोसा। आप लोग जो टेस्टी रेसिपीज देखते हैं और सारी लेडीज मुझे पूछती हैं कि कहाँ बनाई, तो आज जवाब मिल गया। इस फ्रिज में मैं रखती हूँ अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जुड़े रहने के लिए थैंक यू व्यूअर्स। आइए मैं अपना दूसरा कमरा दिखाती हूँ। हमारे दूसरे कमरे में मैं और मेरे हस्बैंड आराम से जीते हैं, और वो ना मॉर्निंग के टाइम में यहाँ मेडिटेशन भी करते हैं। तो साइलेंस व्यूअर्स, साइलेंस। ये है मेरे हस्बैंड। दपक, 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 पागल। मैं खाने के लिए आई रहा था मैडम। व्यूअर्स, इन्हें भूख लगी है इसलिए गाना गाकर बुला रहे थे मेरे हस्बैंड। सो क्यूट ना, चलिए। अरे तू जा रहे झलक झलक। आओ व्यूअर्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेटे कृष्णा का रूम। ये बहुत बड़ा गेम डिजाइनर है। देखिए देखिए इसकी चाहत क्या है। देखिए, बहुत बुद्धिमान है, धर्म कर्म भी करता है। कहते हैं तेज दिमाग वाले लोग इंटरव्यू अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन इसका तो इंटरव्यू अटेंड करना ही एकमात्र काम बचा है। देखो ना, देखो देखो, देख रहे हैं ना, इंटरव्यू अटेंड करते करते इतना थक गया कि अपना ड्रेस भी नहीं बदल पाया। ओहो, इसने मुझे अपना काम बताया था, बोला था इंटरव्यू के लिए उठा देना, लेकिन मैं भूल गई। ए कृष्णा कृष्णा, इंटरव्यू का टाइम हो गया, उठ जा बेटा। इधर देख व्यूअर्स, व्यूअर्स हाय बोल तो। देख रहे हैं ना, अब ये इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है ना? तो अब इसे सक्सेस के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट बोलो। ए रुक रुक, सब ऑल द बेस्ट बोलेंगे। थैंक यू बोलना, शर्मा गया। ये मेरे भाई का रूम है, जगदेश शेखर। ये बहुत समाज सेवा करता है। और ना लक्ष्मी, अगले वीडियो तक मिलने के लिए बाय व्यूअर्स, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। क्या हो गया रे माँ, टैप में पानी क्यों नहीं आ रहा है? माँ हो, बोलना भूल गई, मोटर बिगड़ गया है। मामा को बोल बनवा कर लाए। माँ टाइम। ओए मामा। अरे क्या हुआ भांजे? नीचे आओ यार। बोल भांजे क्या हुआ? अरे क्या है मामा, ये शॉर्ट पहन के स्टाइल क्यों मार रहे हो? ये सब छोड़, तू मैटर बता। माँ ने मोटर रिपेयर करने को कहा था, ऊपर क्या कर रहे थे? और ये हाथ में क्या लेके घूम रहे? अच्छा ये पूछ रहा है भांजे, पीने वाले लोगों का जो दर्द है ना, उनको समर्थन देने के लिए मैं धरना देने जाऊंगा। बेचारे उन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं, लेकिन मैं तो सोचूंगा ना। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, फिर भी डुप्लीकेट माल हमें मिलता है। किसी को भी बुरा लगेगा, किसी भी ठेके से बाहर निकलो तो लेफ्ट राइट पुलिस वाले खड़े रहते हैं। जीना मुश्किल कर दिया है। इन सब प्रॉब्लम की मुक्ति के लिए मैं सरकार से फ्री होम डिलीवरी की मांग कर रहा हूँ। तो बताओ क्या बुरा कर रहा हूँ? मुंह तो छोटा सा है, लेकिन कभी बंद नहीं होता है। ठीक है, जाओ जाके मोटर रिपेयर करवाओ। आज कुएं के पानी से नहा ले भांजे, कल मोटर बनवा दूंगा। मुझे इंटरव्यू में जाना है। तो क्या क्या किया जाए? मामा, हाँ? इसका तो ताला बंद है ना? हाँ ना। चाबी लेके आना। तो अभी लाया। ऑनलाइन इंटरव्यू है क्या? अरे बाप रे। ओहो, यहां पर तो वाईफाई का प्रॉब्लम है। मामा के रूम में चलता हूं।
अरे ये मामा थी ना, क्या करते इनके चक्कर में मैं कैरेक्टरलेस दिखूंगा। अब ठीक है, जय गणपति बप्पा। हाय मैम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आई एम कृष्णा, कमिंग फ्रॉम चेन्नई। माय चाइल्डिश डे, चाइल्डहुड डे, आई लव टू प्ले वीडियो गेम्स। आई सी ऑल माय दीवार वीडियो गेम्स पोस्टर्स ओनली। लगता है इंप्रेस हो गए। ये बताओ आपने इस फील्ड को क्यों चूज किया? इस फील्ड के अलावा भी तो और बहुत सारे काम हैं। ऑन फ्यूचर मैं एक बूमर नहीं, एक अच्छा गेमर बनना चाहता हूँ। बचपन से मैं चेन्नई में रहा हूँ, तो GTA सिटी खेलते खेलते ही बड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल की छुट्टी मिलते ही गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे, लेकिन मैं प्ले स्टेशन जाता था। पब में जाने से ज्यादा पबजी खेलने में बहुत ध्यान देता हूँ। अब तो आपको मेरा इंटरेस्ट समझ में आ गया। लड़का क्रिएटिव लग रहा है ना। थैंक यू सर। Why should we hire you? मैडम मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ, अपनी कंपनी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मैं कितना आज्ञाकारी हूँ ये बात आपको मेरी फैमिली देखकर समझ में आ जाएगी, और उसके बाद ही आपको मुझ पर इतना भरोसा हो जाएगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। Bullshit! अरे ये इतना उखड़ क्यों गई? ओ मामा, ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था, दुकान खोल कर क्यों खड़े हो गए? अरे मैं ड्रेस चेंज कर रहा था भाई। कोई मुहूर्त था क्या ड्रेस चेंज करने का? वो भी ना। तेरा इंटरव्यू इतना खराब क्यों हो गया यार? ए, मेरा मामा चड्डी पहन के गाना गाने लगेगा ये मुझे थोड़ी मालूम था यार। कुछ बोलूं बुरा तो नहीं मानेगा? इस जन्म में तो तुझे यार गेम वाली नौकरी तो मिलने से रही। ए, तू क्यों ऐसी बातें करता है? एक तो मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, और तू तो जानता ही है ना कि अपना परिवार पिताजी के पेंशन पे ही चलता है। अरे यार ये अभी क्यों फोन लगा रहा है? हेलो, कैसा है भाई, भूल गया क्या? भाई मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। हाँ तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है, मेरा पैसा कब देगा? भाई थोड़ा सा टाइम दो ना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मुझे मेरे पैसे दो दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो ना। ए, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, आराम से बात। तुम समझ गया ना? ठीक है भाई। कौन है यार? ए, डेविल आर्मस्ट्रांग, तूने सुना है ना? हाँ। बॉक्सर है वो। जो भी बैंक से लोन लेके पैसा नहीं देता ना, उनसे ये वसूलता है। ए, तू उसके चक्कर में कैसे फंस गया? थोड़े दिन पहले ना मैं पप्पू नाम के लड़के से पबजी पर फ्रेंड बना। मैं तो एक भी लेवल पार नहीं कर पाया। बहुत टेंशन हो गई ब्रो। एक लेवल पार करने के लिए चाहे जितनी भी लेवल क्रॉस करनी पड़े वही होता है गेमर। क्या बात है, क्या बात है, मोटिवेट कर दिया ब्रो। ब्रो जब से तुमने मोटिवेट किया है ना, मैंने तो कितने लेवल पार कर दिए, अब मुझे भी लगने लगा है कि मैं भी गेम का चैंपियन। सुपर ब्रो। और परचेसिंग के टाइम हिम्मत रखा करो, तभी तुम गेम के राजा बन सकते हो। ओके ब्रो। ए, धीरे से धक्का मार बे, इससे पैसे लेने का अभी। ब्रो जैसे तुमने मुझसे कहा था ना गेम में परचेस करते टाइम हिम्मत रखो, हा? उसके चक्कर में थोड़ा अमाउंट लॉस हो गया ब्रो। कितना? जस्ट 10 लाख। 10 लाख? ठीक है, लेकिन आप लोग किस किसके आदमी हो? मेरे आदमी। अरे ये कौन सी दुश्मनी है, कहां लाके फंसा दिया? ए, किसको बोला रहे? अरे आपको नहीं, मैं इसको बोल रहा था। अच्छा हुआ तो बच गया। तुम लोग इसकी गर्लफ्रेंड को उठा कर लेके आओ, तब ये पैसे देगा। पर मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। पहले प्यार करवाते फिर उठाते। तू मुझे चकले वाला समझ रखा है क्या? फालतू की बात मत करो, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। भाई भाई मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया, गाइड करने के चक्कर में ऐसा हुआ। गाइड कर रहा था, अब मामा तुझे गाइड करेगा। तू चुप कर, इस भाई ने तो खेल खेल में 10 लाख रुपए लगा दिए हैं। तेरे भरोसे से इसने ये कांड किया है ना, तब तो तुझे पैसा देना ही पड़ेगा। अरे भाई मैं तो बस इसकी गेम में हेल्प कर रहा था, मुझे लगा कि ये सिर्फ 10 रुपए लगाएगा, लेकिन 10 रुपए की जगह इसने 10 लाख रुपए लगा दिए। भाई सॉरी भाई, मुझे छोड़ दो ना। चल छोड़ दे यार। छोड़ दूं इसको? हाँ छोड़ दे, लेकिन सिर्फ आज के लिए। अगर 2 हफ्ते में पैसा नहीं मिला ना तो मैं आप मर जाओगे। तू मर जाए। समझ नहीं आ रहा ये सब तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हो रहा है यार। भाई कितने रुपए हुए? मैं दे रहा हूँ। ए चुका ना यार, मैं दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ ना। ये लो भाई। क्या मेरा तेरे पे निकलता है ना? भाई बाकी जमा कर लो। मामा क्या देख रहे हो? फीलिंग है भांजे,
इस बहू का दुख देख के मुझे तो बहुत रोना आया भाई। अब मैं तुझे क्या समझाऊं? आपको इस बहू का दुख दिखाई दे रहा है लेकिन सासू माँ का नहीं दिखाई दे रहा। क्या नमूने होंगे यार। माँ, माँ, ये माँ भी ना हर सीरियल में ऐसी खो जाती है। ए शेखर, पापा ध्यान से देखिए ना, आपका शेखर वहाँ पे टमाटर खा रहा है। ए कृष्णा, मुझे ना एक छोटा सा डाउट है। ये फोन स्विच ऑफ करने के बाद भी ये यंग मॉडल्स स्क्रीन पे आके हाय कैसे बोलती है? एक बात बता, ये तुझे भी हाय बोलती है क्या? तो आपने गूगल पे किसी फोटो पे क्लिक किया था क्या? एक बार किया था। कब सुधरोगे? अब ये मॉडल्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ऐसा बेटा है, इसकी माँ ने तो नहीं सुन लिया? सुन लिया, निकलो। आपने मेरे रूम में लाकर कुछ टांगा था क्या? मैं कुछ तेरे रूम में क्यों टांगूंगी? हेलो, एजुमलाई सर। यस सर, मेरा नाम केपी है। मुझे कुछ डाउट आया इसलिए मैंने आपको फोन किया। आज ना घर के कुएं में मुझे एक ड्रीम कैचर मिली सर, उसके साथ में एक गुड्डा बंदा था। जब से मैंने उसे उठाया तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सर। उसकी अगर कोई फोटो है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ। अक्सर ड्रीम कैचर को बुरा सपना अपने से दूर रखने के लिए घर में टांगते हैं, मगर तुम्हें जो ये ड्रीम कैचर मिली है वो बहुत ही खतरनाक है। इसे पुराने जमाने के लोग बहुत यूज करते थे, और उसके साथ में जो ये गुड्डा है वो कोई साधारण नहीं है, बहुत खतरनाक है। मुझे लग रहा है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है, इसलिए उसे जहाँ से लाए हो वहीं जाके रख दो, तभी अच्छा होगा। सर, मैंने सुबह उसे कुएं में डालकर ताला बंद करके गया था, वापस आया तो ये मुझे मेरे कमरे के अंदर मिला। सर, तुमने उस ड्रीम कैचर के साथ कुछ किया तो नहीं था? मैंने तो कुछ नहीं किया सर। ध्यान से सोच के बताओ। हाँ, गलती से मेरे हाथों से उसका एक पंख टूट गया था। ओह शिट, अब तुम पक्का फंसोगे। आप क्या कहना चाहते हैं सर? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, उस गुड्डे को नहीं छेड़ना चाहिए था। हेलो हेलो सर, मैंने आपको डाउट क्लियर करने के लिए फोन किया था, लेकिन आप तो बात की पतंग बना के उड़ा रहे हैं। थैंक यू, मैं फोन रखता हूँ। कौन सी जगह है और मैं यहां कैसे आ गया? ये सब तो बहुत अजीब लग रहा है। घर में कोई है क्या? आखिर ये घर है किसका? चाबी कहां रख दी मैंने?
माँ सपना था, ऐसा सपना तो मुझे पहले कभी नहीं आया। इसको दिखाना पड़ेगा। हाय व्यूअर्स, आज का वीडियो वर्ल्ड फिटनेस डे स्पेशल है। ज़ुम्बा डांस में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। गर्ल्स, सब लोग रेडी हैं कि नहीं? यस। ओके, लेट्स डांस। रेडी, स्टार्ट। समझ में नहीं आ रहा, मेरी चड्डी कहाँ चली गई? पापा, हाँ, पेट्रोल के लिए 100 रुपए दीजिए ना, शाम को वापस करता हूँ। बेटा भूल गया क्या? परसों मैं रोड पे बाइक से आ रहा था, सर्कल पे ट्रैफिक वाले ने फाइन मार दिया। मैंने तुझे फोन करके जीपे पे पैसे मांगे, तूने क्या कहा था? मैंने कहा था बाइक वही छोड़ के आ जाओ, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, तू यहाँ से पैदल निकल जा। पापा, क्या हुआ, बदला ले रहे हो क्या? पापा, जो समझना है बाद में याद रखूंगा। पापा, माँ माँ शेखर यहाँ गलियों में भौरा बनकर भंडरा रहा है। बेटा, पेट्रोल के लिए 100 रुपए चाहिए माँ। पैसा चाहिए? यस पापा। ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ जॉनी जॉनी। यस पापा। ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ जॉनी जॉनी। यस पापा। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए आपको क्या चाहिए? ये आप किससे बात कर रहे थे? डॉक्टर जॉनी से। तो फिर आप कौन है? मैं ही हूँ डॉक्टर जॉनी। ये पागल मेरा इलाज करेगा? नहीं समझे? समझ जाओगे, आओ बैठो। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर, इन्होंने फिर केपी ना, जब मैं सोता हूँ ना बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं डॉक्टर। मतलब एक बंद कमरे में। बस बस समझ गया,
चलो आओ चेयर पर बैठ जाओ। मुझे हल्के में ले रहा है, अभी इसे चेक कर रहा हूँ। आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया हूँ। हाँ। अब मैं उसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, ठीक है ना। हाँ। मेरी उंगलियों को देखो, अब तुम्हें नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। चलो सो जाओ। आप चिकन खा के आए हो डॉक्टर? मटन खा के आया हूँ। ट्रीटमेंट के वक्त चुपचाप रहने का, हाथ नहीं सूंघने का, बताओ समझा कि नहीं समझा? हाँ। चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अब आपकी उम्र 10 साल की है। 10 साल की उम्र में आप क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाई करता था डॉक्टर। ललिता में जैसे बच्चा टीचर के लिए तड़प रहा था ना, वैसे मैं भी अपने टीचर के लिए तड़प रहा था। क्या 10 साल की उम्र में? ठीक है, अब आपकी उम्र 18 साल की है। अब आप क्या कर रहे थे? मैं ना एक बस में कहीं जा रहा था। हाँ। तो सूर्यवंशम पिक्चर के लेडी कंडक्टर की तरह मुझे भी कोई मिल जाए, ये सोच सोच के तड़प रहा था। डाउट था, तुम यही बोलोगे। अब आपकी उम्र 25 साल की है। 25 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? रात को फोन पे, फोन पे गंदी फिल्म देख के टॉयलेट में जाता था। ए, बहुत होगी तेरी अश्लील कहानियां, चल उठ जा, पका मत। आप समझ गए डॉक्टर? पकड़। डॉक्टर ये मेडिकल शॉप वाले पढ़ लेंगे, उनको मेरी भाषा समझ में आती है। तू जाके दिखा। हाँ? तो ओके डॉक्टर, निकलता हूँ। हाँ ठीक है। दूसरा बकरा आने तक इसे नहीं छोड़ना है। ये केस बहुत रेयर लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। यहां पर वापस कैसे आ गया? ख्वाबों में खुशी मिल रही ना, वो वास्तव में सच नहीं। हाँ। अगर वही विषय में और बोलने से, जो ख्वाबों में वो खुशी हम देखते हैं ना, अगर सच में वो नहीं। मैं वापस वहीं आ गया। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या चल क्या रहा है?
Yes. सर मैं केपी बात कर रहा हूँ सर। बोलो। सर आपने वो बोला था ना ड्रीम कैचर वही कुआं वही घर, मैं सपने में फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर। शांति से पूरी बात बताओ। सर जब भी मैं सोता हूँ तो एक ही सपना आता है और मैं उसी में फंसा रहता हूँ सर, और वो जगह ना सर वो बहुत ही डरावनी है सर, और मुझे लगता है कि वहाँ पे भूत भी है सर। मैंने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था। हा? तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है वो शापित है, इसीलिए तुम बार बार एक ही सपने में फंस जाते हो। अगर उस सपने से तुम्हें बाहर निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो ड्रीम की, तभी तुम बाहर निकल पाओगे। अगर नहीं निकल पाया तो? देखो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, इस सपने में तुम्हारी जान भी खतरा हो सकता है। सर मैंने आपसे कुछ आइडिया लेने के लिए फोन किया था तो आपने कॉमेडी शुरू कर दी। क्या है सर, ये तो सपना ही है ना। सपने में अगर मर भी जाऊंगा तो सपना टूटने के बाद मैं खड़ा ही हो जाऊंगा ना। जी छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सीरियसली लो। आज जब तुम सुबह सोकर उठे तो कैसे उठे? अंदर वो एक रूम मेरा पीछा करी थी तो मैं बच के भागने लगा, और जब मेरा बैग फिसल गया तो एक बॉक्स के पास जाके मैं गिर गया सर। सच में मुझे चोट लगी थी वो यहाँ सर पर। सर चोट सपने में लगी थी पर सच में खून बह रहा है। यस, यही समझा रहा था, वहाँ सपने में जो होगा वो सच में भी होगा। याद रखना अगर तुम सपने में मर गए तो मतलब मैं सच में मर जाऊंगा। सर बस एक मिनट। सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है सर, सपने में जो शर्ट फटी थी वो सच में फट गई है सर। सर मैं तुरंत आपसे मिलना चाहता हूँ सर। ओके, मैंने बताया था ना ड्रीम की, उसका संबंध तुम्हारे सपने से होगा ही होगा। सपने में जाना तो उस चाबी को ढूंढना, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ, उस ड्रीम कैचर के ऊपर देखना किसी की नजर ना पड़े, वरना तुम्हारी तरह किसी और ने उसके पंख को तोड़ा तो वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सपने के भंवर में फंस जाएगा। तो अभी वो पंख तोड़ के मेरे सपने में आएंगे सर? तुम्हारी हेल्प करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? लेकिन बाहर से डरपोक उस आत्मा को नहीं पता कि तुम उस घर में आते रहते हो, इसलिए जब भी सपने में उस घर में जाना तो आवाज मत करना। ऑल द बेस्ट। ऐसा लग रहा है मैं कोई आईएएस एग्जाम देने जा रहा हूँ जो ऑल द बेस्ट बोल रहा है। ठीक है सर। देखा ईमानदार आदमी है, इंतजार कर रहा है भाई। क्या ऊपर नीचे देख रहा है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस पर जा रहा हूँ। कहाँ है पैसा, कहाँ है? मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दो भाई। हाँ मुझे प्यार से नहीं देगा, इसको इधर रख के देना होगा। पकड़ इसको तो वायलेंस देखना है। हाँ वायलेंस 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 वायलेंस। पैसा निकाल भाई, बस एक हफ्ते का ही तो टाइम मांग रहा हूँ, दे दो ना। एक हफ्ते का टाइम? बेचारा, ये सब तुझे बहुत पसंद है क्या? हाँ भाई। हाँ? हाँ? इसमें सबसे ज्यादा पसंद कौन सा? वो बड़ा वाला कप भाई। ओ, बड़ा वाला कप भाई, कौन सा? ये वाला? हाँ बोलना। हाँ भाई, ये मेरी बचपन की याद है। बचपन में मिला था। ओ, क्या बात है, क्या बात है। भाई भाई भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई ऐसे मत करो भाई। भाई क्यों तोड़ रहे हो भाई? भाई प्लीज मत तोड़ो ना भाई। ओहो हो, गलती से टूट गया भाई। आपने मेरा कप तोड़ दिया भाई। मामा अब आप चुप रहो, देखो मैं क्या तोड़ता हूँ। अरे शाम को मेरी माँ को रिसेप्शन में किसी को ये कप देने, इसको कुछ मत करो। अरे रिसेप्शन में कब तक तुम लोग ये घड़ी और कप देते रहोगे यार? अरे टूटेगा, अरे पैर तोड़ दिया, ये देख के तोड़ना चाहिए ना, पैर के ऊपर कप कोई तोड़ता है क्या? कोई खास चीज है जो ये हमसे छिपा रहा है? नहीं, नहीं। दिखा दिखा, क्या छिपा रहा है? क्या 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 पता? ये मेरे सेंटीमेंट की चीज है, ऐसे मत करो भाई। इसमें सेंटीमेंट है, इसको तोड़ोगे तो नहीं ना? इसको तोड़ दूंगा तो क्या होगा? तोड़ दिया।
उड़ गया तेरा पंख। तब तू मुझे हल्के में ले रहा है। आपने बाशा भाई को खंबे पे बांध के मारा था, मैं आपको कैसे मारा कर सकता हूँ भाई? उसके बाद मामू ने खंबे पे बांध के किसको किसको मारा था ये तू नहीं जानता क्या? अबे एक ही नाम बता रहा हूँ, कचरा कर रहा है, कचरा कचरा कचरा। भाई 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 हम रात में मिलते हैं। हाँ। रात में पैसा देगा, देगा ना, एक ही परफॉर्मेंस में इतना डर गया बेचारा, चल पैसा दे देगा। तू जाके दूसरी गली से पैसा वसूल किया जा, ठीक है मामू? क्या कर रहा है बेटा? ये क्या हुआ, सर पर चोट कैसे लगी? वो फिसल गया माँ। किसी की नजर लग गई होगी, चल मैं तेरी नजर उतार दूँ। आप नजर मत उतारिए, आप पहले अंदर जाइए ना माँ। चल जा, कुछ भी सुनता नहीं है। ये तू किस गोंचू की बात कर रहा है? अच्छा वो भगवान हो गया है क्या? तूने उसकी बात क्यों मानी? डॉक्टर उसने जो कहा वो सच निकला। इस जमाने में भूत भूत नहीं होते, वो सिर्फ सपना है डॉक्टर। और नहीं तो क्या, तू बहुत डिप्रेशन में चल रहा है, एक बार फिर से आके मुझसे मिल ले, बस एक बार की काउंसलिंग में तुझे हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। ओके डॉक्टर। बनियान पे आ गए, मॉडलिंग कर रहे हो क्या? बाथरूम में कैसे जाते हैं, सूट बूट पहन के जाते हैं क्या? बोलो अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई है? ये है? ये ड्रीम कैचर ही मेरी प्रॉब्लम है डॉक्टर। एक दिन इसका पंख गलती से मुझसे टूट गया, उस दिन से ही मैं भूत के सपने में बुरी तरह से फंस गया हूँ। ये क्या ऐसे ही टूट गया था ना? इसमें तूने किचन वाला गुड्डा भी टांगा है? अब जाके मेरा भी माइंड रिलैक्स हुआ है डॉक्टर। दैट्स माय बॉय, टेंशन खत्म हो गया ना, शांति से घर जा, ठीक है? रात को मिलते हैं डॉक्टर। हेलो भाई, क्या हुआ, पैसा रेडी कर? वो तो मैं रेडी करूंगा, लेकिन आप कब सोएंगे? मैं कभी भी सोऊंगा, तुझे क्या पड़ी है? देख मैं एक घंटे के अंदर सो जाऊंगा, समझा? हाँ? अगर सो जाने के बाद अगर पैसे के लिए बुलाएगा तो मैं नहीं आ सकता। मैं सो जाऊंगा, पहले तू आराम से सो जा। ठीक है डॉक्टर। इडियट। हे भगवान, सब लोग मैं सो गया। ये डॉक्टर और टेबल अब तक दिख क्यों नहीं रहे हैं? इसकी चाबी कहाँ होगी? किसी के देखने से पहले अंदर चला जाता हूं। चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930। किधर गया वो? एक घूसा दूंगा ना, जिंदगी में डराना भूल जाएगा। अंदर कोई भी नहीं है यार। कोई भी नहीं है क्या? हाँ, पागल हो सब। तेरी तो गाना गा रही थी, तू डर क्यों गया? क्या हुआ?
जा जा पानी पी ले, जा उठ जा जल्दी जा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। हाँ तू एक काम कर, नारियल के बगीचे की डील कर ले, अच्छा पेमेंट मिलेगा। यार तुझे एक काम की बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों टाइम थाली भर के खाते हैं और निकालते हैं, फिर थाली भर के खाते हैं। खाने और निकालने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, धरती पे बोझ है। क्या बताऊं मैं तुझे अभी, चल तू सामने आके मिल, मैं तुझे उसका एड्रेस देता हूँ, ठीक है ना। माँ आपको बुला रही है, जाइए। लच्चो यू कॉल मी, अपना मुंह देखो। ए तू मेरे से खेल रहा है, मैं तेरा बाप हूँ। लच्चो लच्चो मेरा हाथ जल गया। लच्चो लच्चो मेरा हाथ जल गया। कृष्णा मैंने तुझे कहा था ना भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं मान नहीं रहा था ना, अबे मुझे मार के बताना चाहिए था ना, तू जानता था भूत है तो क्यों फंसा यार। अरे आप रोइए मत डॉक्टर, उस दिन मैं भी बहुत प्रॉब्लम में था। ए, अबे तुझे साथ में ले जाना था तो इल्लू मलाई को ले जाता ना, मुझे क्यों फंसाया, वो सपने जैसा नहीं लग रहा यार, लग रहा है सच में किसी ने मारा है। मैं क्लिनिक पर जा रहा हूँ लेकिन तू वहाँ नहीं आना। ठीक है मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आप सोना मत। क्यों? क्योंकि अगर आप सोओगे तो आँख सीधे उसी जगह पे खुलेगी। यू मीन दैट सेम लोकेशन? कहाँ गया वो, दिख नहीं रहा। हाँ, दिख गया। क्या हुआ भाई इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कुछ नहीं भाई, एक बात करनी है। कल रात को ना यही कोई 10:30 बज रहा होगा, मैं मस्त चिल एसी करके सो गया और सोते ही सपना आ गया। सामने भयानक भूत मेरे पीछे ही पड़ गया। बाप रे, भूत का सपना? और नहीं तो क्या, वो छोड़ सपने में मैंने तुझे भी देखा था, वही तो बताने आया हूँ। ये भी तो था रात में सपने में। आप कुछ बोलना मत डॉक्टर, एक रात को सपने में हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे तूने कितने लोगों को फंसाया अब तक? तो आप दो लोग। चल तेरे को बाद में बताऊंगा। भाई तेरा नाम जॉनी है ना? हाँ ना। भाई को मैं जानता हूँ, वो सपने में आ गया ठीक है, लेकिन तू मेरे सपने में कैसे आया? इसे ही तो डेजावू कहते हैं। कौन सा वो? डेजावू, जो भी आपको सपने में दिखेगा ना, लगेगा सामने वाला वही है। ये सपने में कितने दिन आएगा डॉक्टर? कम से कम 2 दिन तो आएगा। ओहो डॉक्टर, ए भाई उसने मुझे सपने में मारा भी था, ये देख उसका जीता जागता प्रूफ, उसका निशान देख बहुत जोर से मारा। अरे तूने इसे क्यों फंसाया? डॉक्टर ये मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मैंने इसको फंसाया। अरे बाप रे, ये क्या, अगर मैं सपने में मरा तो सच में मर जाऊंगा क्या? सब कुछ गड़बड़ करके पार्ले जी के बच्चे की तरह देख रहा है कुछ। अल्फ्रेड ये बात क्या कर रहे हैं, देखा नहीं क्या डॉक्टर? मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचना है ना तो रोज सोने से पहले मुझसे कंसल्ट करना होगा। आई विल गाइड यू। पक्का डॉक्टर? मैं सोऊंगा नहीं, चलता हूँ। डेविल भाई जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप 10 लाख रुपए मत मांगना प्लीज। मैं पैसे क्यों नहीं मांगूंगा? क्या भाई, इसके लिए तू इसे फंसाया? परवाह नहीं, मामला सलटने के बाद देखेंगे, पहले ही सपने से निपट लेते हैं। चल चल आजा आजा। क्या यार, बिना काम के मुझे क्यों इस झमेले में घसीट दिया? मैंने जीत कर दिया है चक्कर। ठीक है आराम से बेटा। बेटा ऐसे क्यों घूर रही हो? भैया मेरी बेटी पर भूत का साया है। बेटा डॉक्टर टाइम हो रहा है, जल्दी आओ ना। सच में ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यू मस्ट गो थ्रू द कंप्लीट बुक सर, यू विल। हाय सर। सर वो ड्रीम कैचर पंख? ओह यस, पीके राइट? केपी सर। केपी, तूने तो तांत्रिक बोला था, ये तो सूट बूट पहन के बैठा है। सर कुछ भी करके हमको इसमें से बचाइए सर, कल तो वो भूतनी मुझे मार ही देती। हाँ सर, मुझ पर भी अटैक किया था, देखेंगे। ये कौन? ये सर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जॉनी, इसने मुझसे भी पंख तोड़वाया। इसे भी तुमने साथ में ज्वाइन करा लिया? नहीं सर, इन्होंने सब कुछ जानकर ही ज्वाइन किया है, लेकिन ये हिम्मत वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। क्या भाई ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने कोई आईटी कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है, ये भी डॉक्टर हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, ये कुछ विषय को डिपोर्ट करना चाहती थी इसलिए ये बुक लेकर आई है। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तभी ड्रीम कैचर के बारे में समझा। सो आपका केस क्या है इनको भी बता दो। हेलो, लगता है ये भी मेरी तरफ फंसेगी। आपकी बातों से पता चलता है अभी तक वो चाबी हाथ नहीं लगी है। अच्छा बताओ देखने में वो जगह कैसी है, कुछ उसके बारे में बता सकते हो? वो जगह तो अंग्रेज जैसे रहते थे ना, बिल्कुल वैसी ही लगती है, और हम चाहे जिस भी कपड़े में सोए पर जिस कपड़े में पंख तोड़े थे उसी कपड़े में पहुंचते हैं। ओह, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है सर, वहां पर एक भूतनी भी है सर। हाँ सर,
हमेशा वो हमें गेट आउट कहती रहती है सर। तुमने कहा था कि ब्रिटिश कॉलोनी जैसा स्ट्रक्चर था, तो तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो अजीब हो? अजीब मतलब? आई मीन पेंटिंग्स, स्टैचूज, या फिर कुछ भी जो मिलता जुलता। एक पेंटिंग मैंने देखी थी, लेकिन ऊपर से वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसके नीचे बनाने वाले का नाम लिखा था। उसका क्या नाम था? चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930 लिखा था मैडम। ओह, 1930। इस मामले में एक छोटी सी समस्या है। वो क्या? अगर ये आज के समय की बात होती तो मैं आराम से हैंडल कर सकता था। ड्रीम वर्ल्ड की वजह से मैं प्रेडिक्ट ही कर सकता हूँ। अगर उस जमाने की कोई फोटोज या उससे संबंधित कुछ। सर, अगर मैं उस भूत की तस्वीर बना दूं तो चलेगा? तुम तस्वीर बना सकते हो? हाँ। तो पहले वो काम करो, और मुझे भी 2 दिन का वक्त चाहिए। वो किस लिए? हमारी इलाज देखना चाहते हो? आपने जिस जगह के बारे में बताया, मैं उस जगह पे जाके उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी साथ दूंगी। थैंक यू मैम। यू कैन टेक माय नंबर। आप नहीं दोगी तो भी ये ले लेगा। आप ही सेव कीजिए मैडम। क्या हुआ बेटा, तू रात को कहीं गया था? ये रात को कुछ काम था माँ। ए, तेरे बैग में चिप्स का पैकेट है, मुझे दे। देख लिया क्या? ये लो। थैंक यू माँ। माँ, ये यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारे कबर्ड में डस्ट था ना, वो साफ कर रही थी तो उसे वहाँ से उठाकर यहाँ हटा। चुप करो, आपको छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती? अरे माँ, ये इसके पंख को किसने तोड़ दिया? माँ, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा कबर्ड जब मैं साफ कर रही थी तब मैंने नजर उतारने वाली गुड़िया देखी, तो तेरी नजर उतारने के लिए उसे यहाँ टांग दिया। पंख आपने तोड़ा क्या? अरे छोटे से पंख के लिए इतना क्यों चिल्लम चाली चल रही है? मामा, पंख आपने तोड़ा क्या? ए, आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूँ? अंदर जाके देख ले। अंदर जाऊं? घर को लौट जाओगे तुम तो ठहरे पर। आपने इस पंख को क्यों तोड़ा? हाँ बेटा, देख रहा है ना, तेरी माँ ने मेरी मदद कुछ की नहीं, इसलिए मैंने खुद से अपनी मदद कर ली। ऐसे कर रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ, आपने तो पंख नहीं तोड़ा ना? ये मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा हुआ, भगवान ने आपको बचा लिया। क्या बोल रहा है, किधर चला गया? ये देख, तेरी माँ ने छोटा सा पंख तोड़ के मुझे दिया था। हा? इसको अक्कल है क्या? इस छोटे से पंख से मैं दवा कैसे लगाऊं? हाँ बेटा, ये छोटा वाला मैंने तोड़ा। ऐसा क्या हुआ? क्या बता? इसका क्या हुआ? मुझे तो बता। हेलो सर, है क्या? किसी केस के सिलसिले में आज सुबह ही आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। 10 बार मैंने फोन किया लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है वहां पर नेटवर्क नहीं हो इसलिए बात नहीं हो पा रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर के सभी लोग। सभी लोग? उन्होंने उसका पंख तोड़ दिया। What? अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Okay. Just relax. Listen, अभी तुम उन्हें कुछ भी बताओगे तो वो नहीं समझेंगे। हो सकता है डर जाए। And that is not good for us. आज की रात तुम किसी को भी सोने मत देना। कल सुबह मैं सर से बात करती हूँ, तब तक तुम उस भूत की तस्वीर बनाओ। हाँ, okay. क्या बेटा? क्या बना रही हो? तेरे पापा के लिए बना रही हूँ। अच्छा, आपके YouTube चैनल के व्यूज बहुत दिन से बढ़ नहीं रहे हैं ना? हाँ बेटा। बढ़ाने के लिए एक आइडिया दूँ क्या? अच्छा सा देना बेटा। अगले हफ्ते शिवरात्रि आ रही है ना? हाँ बेटा, इस बार कोई नहीं सोएगा। वही, एकदम सही। हाँ। शिवरात्रि के दिन बिना सोए अगर वीडियो बना के अपलोड करेंगे ना तो पक्का व्यूज बहुत बढ़ेंगे। सुपर बेटा, मैं भी फोन लेकर आती हूँ, तू जरा डोसा संभाल। सब्सक्राइबर्स, अरे ये क्या, अब मैं डोसा बनाऊँ क्या? हाय व्यूअर्स, हम सभी लोग शिवरात्रि के दिन बिना सोए क्या क्या करेंगे वो आप सब देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले हम फिल्म देखेंगे। हाँ, भूत वाली फिल्म।
भूत वाली फिल्म अगर हम शिवरात्रि के दिन देखेंगे और आँख बंद हुई तो दूसरे दिन भूत खुद आकर हमें उठाएंगे। मामा सो क्यों रहे हो? पापा आप भी सो गए? देखिए ना, सुनने के लिए हम लोग खेलेंगे बॉटल गेम। आप लोग पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। वो लड़की बहुत यार आती है, ए सोचेंगे तुम्हें प्यार। नींद नहीं आने के लिए क्या कर सकते हैं? शांति नहीं रहनी चाहिए, अब शांति को कैसे भंग करूं? हाँ आइडिया, ये सही है, इसी ने तो मेरी जिंदगी की नींद उड़ाई है। हाय व्यूअर्स, अब ना सोने के लिए हम लोग लड़ेंगे वीडियो गेम पे। गेम ओवर। अब मुझे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, लिफ्ट के दरवाजे की तरह मेरी आँख बंद हो रही है। पापा। क्या बेटा, शिवरात्रि के वीडियो बनाने के लिए शिवरात्रि तक जगाएगा क्या? एक मिनट बात नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। पापा, पापा, अच्छा बस एक मिनट होगा, प्लीज एक मिनट। अब ये कहाँ जा रहा है? कृष्णा सर आ गए क्या? अभी तक तो नहीं, वो मैंने बहुत मेहनत करके पूरे परिवार को रात को सोने नहीं दिया, अब आगे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, अपनी फैमिली को सच बताकर समझाओ। कृष्णा सर आ गए हैं, आ जाओ। आ गए क्या? ठीक है मैं तुरंत पहुँचता हूँ। ये कौन? क्या बोली वो? वो भूत भगाने वाला पहुँच गया है, मैं उससे मिलकर आता हूँ, लेकिन तब तक आप सोना मत प्लीज। प्लीज हम प्लीज माँ प्लीज प्लीज पापा प्लीज संभाल लीजिए। अरे क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हो? आ जा आ जा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। डॉक्टर आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? ये चुपचाप यहाँ पे बैठा नहीं है, मैंने इसको बिठाया है। क्या तूने बिठाया? मैं कितने दिन से यहाँ सोया नहीं हूँ मालूम है, सह नहीं पा रहा हूँ। डेजा वो ड्रीम इसी को कहते हैं। अब ये सब कहानी बंद कर, तब सच बता क्या हो रहा है। मैं सच जानने के लिए ही तुम्हें उठा लाया हूँ, तुम लोग प्यार से बताओगे या मैं अपने तरीके से। भाई भाई नाराज मत हो, क्या हुआ था मैं बताता हूँ ना। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्टोरी में तुम लोगों के साथ फंसूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं भाई, मेरा पूरा परिवार इसमें फंसा है। जैसे सारा परिवार मंदिर जाता है, ये लोग भूत से मिलने जाते हैं। ए कृष्णा भाई, तू कैसे भी करके यार उस चाबी को ढूंढ ले और मुझको इस झमेले से बचा, मैं वो पैसा भी छोड़ दूंगा। अब तुझे क्या बताऊँ, पहले मैं दिन में 4 बार सोता था। अगर ये गाना दोबारा बजा तो मैं सो जाऊंगा। सॉरी मामा। ए भाई कुछ भी करके मुझे बचा ले। चलिए डॉक्टर। आप बहुत कंफ्यूज हो गए मामू, थोड़ा सा सो लोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। तू मुझे भूत से मरवाना चाहता है? चल चल भाग, दोबारा नजर मत आना। सर मैंने ड्रीम कैचर को तो छुपा कर रखा था, लेकिन थोड़ी गलती हो गई उसमें। हमें कुछ भी हो चलेगा, लेकिन हमारे परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बुजुर्ग लोग हैं, है ना डॉक्टर? मुंह बंद रख, तू कितना बड़ा सेल्फिश है बे? सिर्फ तेरे पास ही परिवार है क्या? हमारे परिवार का क्या? मैंने जो खोजबीन की है उसमें तुम्हारी स्टोरी से रिलेटेड सिर्फ एक ही इंसिडेंट है। ब्रिटिश काल के समय मद्रास में रॉबर्ट लैंगडन एंड मैकडेलिन का मर्डर केस। मर्डर? 1930 में मद्रास में कमांडर था रॉबर्ट, उसे एक लेडी मैकडेलिन से प्यार हो गया। उन दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी, घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन तभी गवर्नमेंट के काम से रॉबर्ट को बाहर जाना पड़ा। उसी पैलेस में काम करने वाले सोल्जर विलियम को मैकडेलिन से प्यार हो गया, वो उसे पाना चाहता था। रॉबर्ट जब नहीं था तो उसने एक तांत्रिक को वहां लाया। उस रात के बाद मैकडेलिन का बर्ताव बदल गया। जब रॉबर्ट वापस आया तो एक सिपाही ने उसे बता दिया कि विलियम ने मैकडेलिन के ऊपर वशीकरण किया है। सो इट्स नेचुरल। रॉबर्ट ने बंदूक उठाई और उस सैनिक को गोली मार दी, लेकिन वो बच गया। लेकिन दूसरे दिन रॉबर्ट और मैकडेलिन रहस्यमयी हालत में मरे मिले। सपोज आप लोग वहां होते तो किस पर शक करते? विलियम पर। यस, यही बात सारा गांव कर रहा था, मगर दूसरे दिन जंगल में विलियम भी मारा पाया गया। सैनिकों ने लेडी तांत्रिक को महल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। यही मेरी रिसर्च कह रही है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव को पता चल गई। कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि मैकडेलिन भूत बनके सपने में उन्हें डराती है। गांव वालों ने उसे भूत बंगला कहकर गिरा दिया, मगर मैकडेलिन की आत्मा वहां है और उसके श्राप से वहां बहुत लोग मर गए।
तुमने जो ड्राइंग बनाई है और ये जो पेंटिंग है दोनों एक है, मैग्डालेन एलिस। हाँ सर। तो सर आपकी कहानी में जो चुड़ैल है और तुम्हारे पास जो ड्रीम कैचर है उनमें कुछ तो संबंध है। यस आई एम श्योर। ये जो मामला है विचक्राफ्ट से ही संबंधित है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें बचाने वाली जो ड्रीम की है वो किसी न किसी जानवर के शरीर का हिस्सा होगा। वो चाबी हो सकता है खोपड़ी हो या दांत, नहीं तो बंदर का हाथ। देखो ऐसे किसी जानवर का शरीर तुम्हें उस बंगले में दिखा क्या? उसे नष्ट करके तुम सबके सब लोग सपने से बाहर आ सकते हो। तुम्हें वो की खोज नहीं होगी, अगले सपने में मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। आप भरोसा कीजिए सर, इस बार हम उसे पक्का ढूंढ के निकालेंगे। पापा एक काम करते हैं, आज माँ को हम सोने नहीं देंगे, हम तीनों जाकर सपने में उस चाबी को ढूंढते हैं। मेरे पास भी एक आइडिया है। क्या है? मैं यहाँ रुकता हूँ, तू जाके ढूंढ, तेरी माँ का ख्याल रखूंगा ना। मेरा बेटा अकेला नहीं जाएगा, तुम भी जाओ इसके साथ में। अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो लौट कर वापस आ पाऊंगा? मैं नहीं जाती। पापा अब चिंता मत कीजिए, हम वापस आ जाएंगे। चलिए 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 सोते हैं। अम्मा चलो चलो सो जाओ। ओम नमः शिवाय, बस आपका ही सहारा है भगवान, मेरी रक्षा करना, हेल्प मी। मेरा बेटा भूत के चक्कर में मुझे फंसा रहा है, लेकिन वो भूल गया कि मैं उसका बाप हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अरे यार मामा, मेरे पास फॉरेन का माल आया था, सोचा था सोने के पहले पी लेते, लेकिन आप तो पहले ही सो गए। भांजे मैं सोया नहीं हूँ, बताओ कौन सा ब्रांड है? अबे बेवड़े कहीं के, चेक करने आया था सोया कि नहीं, चुपचाप सो जाओ। माँ हम अगर नींद में कुछ बकने लगे तो सीधे उठा देना। ठीक है संभाल के, मैं हूँ ना। हे भगवान रक्षा करो मेरी। कितनी डरावनी जगह है ये, कहीं भूत वूत का चक्कर तो नहीं इधर? मामा मामा इधर आओ इधर आओ। अरे मैं ऐसे कहीं चल रहा हूँ, ये बंगला मुझे ऐसे धुंधला धुंधला क्यों नजर आ रहा है? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? ये क्या है, माला पहना था, विभूति लगाया था, सब कहाँ चला गया? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे आग से कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है, सब ब्लर नजर आ रहा है। बिना चश्मा पहने पंख तोड़े थे क्या? पहले मुझे बता देता तो मैं चश्मा पहन के तोड़ता ना। अगर मैं बताता तो आप तोड़ते क्या? बेटा वो कौन है जो छुप रहा है? आजा 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 आराम आजा, जल्दी आओ ना यहाँ पर। डॉक्टर मेरी फैमिली है। अच्छा ठीक है, हम टोटल चार लोग हैं, दो दो की टीम बनाते हैं और चार की चाबी को ढूंढते हैं। और सुनो और एक जरूरी बात, अगर भूत सामने आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य से काम लेना। ओके ना? ओके ओके ओके। चलो ये आपकी टीम है, चलो पापा मेरे साथ रहिए। ये क्या बेटा, ये तो भंगार की दुकान लग रही है, मुझे सुसु आइए कर लूँ क्या? आप यहाँ टॉयलेट करोगे तो घर में भी हो जाएगा, चलेगा? पागल हो गया क्या? आ जाइए। बेटा तू मुझे कहाँ लेकर घूम रहा है? उस तरफ ढूंढ लिया। ये सब भंगार क्या है? बेटा अगर गुस्सा दिला दिया तो वो कुछ भी कर सकती है। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना, मैं भी जैकी चैन का शागिर्द हूँ, मैं जैकी चैन की तरह मारता हूँ। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा बेटा, ये ऊपर क्या है? शायद वो चली गई, भूत चली गई। क्या हुआ? अरे रे रे, उसने छोड़ दिया क्या? चुप करो यार। अरे ये क्या यार, ये लुका छुपी खेल रही है क्या? हैं सब लोग आ गए क्या? अरे ये क्या भाई, आप भी सो गए क्या?
भांजे कराटे मास्टर कौन है? ए भाई इंट्रोडक्शन देने का टाइम नहीं है, चलो पहले यहाँ से निकल के जान बचा दे। हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तू यहीं पे रहे, हम लोग जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। माँ लक्ष्मी, मामा हमें कुछ होने से पहले माँ को बोला था उठा दे। तो भांजा हमें उठा क्यों ले रही हो? मामा चलिए अपने हाथ पे हिलाइए, तभी माँ को समझ में आएगा। मांझे मैं तुम्हारी तरह हिला नहीं पा रहा हूँ, बहुत दुख रहा है। चुप करो, कान भी दुख रहे हैं। कृष्णा कृष्णा। मामा माँ की आवाज सुनाई दे रही है, लगता है मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊंगा। मैं जाके आपको उठाता हूँ। फिर मेरा क्या होगा? अरे मैं आपको उठाऊंगा। डर मत, डर मत, मैं ही हूँ बेटा, योर मम्मी लक्ष्मी। आप यहाँ कैसे? वो ना सबका खाना बच गया था, खराब हो जाता तो मैंने खा लिया। दीदी मेरा भी खाना खा गई क्या? देखो मामा बचपन से मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, तो उसे वैसे ही रहने दो। कृष्णा बचाओ बेटा, तेरे पापा बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, जाके बचा ना। ये क्या? किसी नमूने को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। हेलो ब्रो, एक्सक्यूज मी, इतना अंधेर है। अरे बाप रे, फूल मर गया माँ, एक भूत ने मुझे मार दिया माँ। अभी भी हम लोग सब सपने में ही हैं। अभी सपने के अंदर सपना देख रहा है कल्प्रिट। अच्छा सपने के अंदर सपना, और उस सपने में भूत ने मुझे मार दिया। कितनी देर तक यहाँ रहेंगे? मैं तेरी तरह फालतू आदमी नहीं हूँ। ये बटला क्या बकवास कर रहा है? डॉक्टर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिला क्या? रुक जा, कोई आइडिया निकालता हूँ। जल्दी कर, मुझे दूसरा भी काम है। ए, ये क्या भूत को बुला रहा है? चुप करिए। आइडिया आ गया है। हाँ, वो क्या? तुम लोग भी आंख बंद करके कुछ सोचो ना, तब आइडिया आ जाएगा। अरे इसका स्क्रू ढीला है। डॉक्टर हो यार। ए भांजे तू पहले जाके दरवाजा बंद कर। यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ध्यान लगाकर कोई अच्छा सा आइडिया सोचिए, मैं दूसरे रूम में जाकर चाबी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ पहले तो यही ढूंढ ले। क्लोज योर आईज, मुझे बंद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पापा आप ना चुप हो जाइए, बिना काम के बकबक करते रहता।
पर एक सुरंग है। सुरंग है? माँ, मैं ये सुरंग के अंदर से जाके देखता हूँ, वहाँ पे कहीं सपने की चाबी रखी हुई है क्या? हाँ, ये यहाँ से भाग तो नहीं जाएगा। क्यों, तुझे भी जाना है? एक काम कर, तू ही चले जा। देखा ना, अपने आप दरवाजा खुल रहा है। क्या है ये? क्या हुआ बेटा, अभी तक नहीं आया? कुछ मिला क्या? रिलैक्स, रिलैक्स। तुम यहाँ कब आई? मैंने 2-3 बार तुम्हें कॉल किया, तुमने नहीं उठाया, इसलिए मुझे डाउट हुआ, मैं आ गई। सपने में क्या हुआ, तुम्हें वो चाबी मिली? नहीं, लेकिन वहाँ 2 भूत थे। व्हाट? कृष्णा, ए कृष्णा, कोई आ रहा है। बेटा तू बोले तो मैं भी अंदर आऊँ क्या? अच्छा, उसका हाथ दिख रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ जा बेटा। माँ, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझे कहाँ से मिलेगी? हाँ सही है, तो करूँगा। माँ, पापा, मामा, मामा। बेटा अच्छा हुआ तूने जगा दिया, सर फट रहा है, भूत आ गए। माँ, ये माया है, एक ओझा है, यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आई है। Nice to meet you. Krishna, we have to leave. It's very urgent. माँ, मैं जब तक भूत भगाने वाली से मिलके आता हूँ, तब तक प्लीज आप लोग में से कोई भी सोना मत। तो बेटा, मेरी प्यारी माँ। लगता है कोई भूत आ रहा है। ए डेविल, इसके तो पैर है यार। हाँ, तो इसमें नया क्या डॉक्टर? ए, भूत के पैर है यार। भूत के पैर नहीं होते क्या? अरे मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं देखा। तूने नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ। चलो उठो। तो मामा उठो, आप सो क्यों गए? कितना टाइम से उठा रहा हूँ। अच्छा हुआ तूने उठा दिया, पता था जब भी प्रॉब्लम होगी तू ही मेरा साथ देगी। पागल हो गए हो, क्या मक रहे हो? किसी कृष्णा ने कॉल करके बोला तुम्हें उठाने के लिए, इसलिए उठाया। ऐसी बात है क्या? मैं बिना काम के तेरे को हीरोइन वाला भाव दे रहा था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुझे क्या, चल निकल। रात भर आधी आँख खोलकर राक्षस की तरह बैठे थे और अब कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो आप। तू जानता ना, मैं आधी आँख खोल के जाग रहा था। अपना कैमरा ऑन करके दे। क्या हुआ मामू, रील्स बनाना है क्या? बिना काम के डायलॉग मत मार। ऐसे क्या देख रहा है तू? कोई तेरी शक्ल पे थूक भी नहीं सकता, इतना बड़ा है तू, भूत तेरे पे थूक रहा है। सर, हमने सोचा था कि वहाँ पर एक भूत है, लेकिन वहाँ पर 2 भूत थे सर। व्हाट? हाँ सर, हाँ, उसमें से एक मेल भूत है सर। मेल भूत भी है? हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैक डेनियल की जिसके साथ शादी होने वाली थी वो कमांडर रॉबर्ट हो सकता है, मगर रॉबर्ट कैसे सपने में आकर फंसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा, उस ड्रीम की के बारे में कुछ पता चला क्या? उन 2 भूतों की जंग में हम ढूंढ नहीं पाए सर, सच बताऊं तो अब सोने से डर लगने लगा है। प्लीज सर, आप हमारी कुछ मदद कीजिए ना, मुझे कुछ होगा तो चलेगा, लेकिन मेरे परिवार वालों को कुछ होना नहीं चाहिए। अरे कृष्णा, घबराने की जरूरत नहीं, नो मोर वेटिंग, मैं भी तुम्हारे साथ सपने में चलकर चाबी ढूंढूंगा। थैंक्स सर। सर, ड्रीम में जाके चाबी ढूंढने से पहले हमारा उन आत्माओं को वश में करना जरूरी है। यू आर राइट। उस पैलेस के अंदर कहीं कोई आईना है क्या? हाँ, है सर, वो तो 2-3 जगह पे है। हाँ, केपी, हमें पहले इन दोनों आत्माओं को एक पोजीशन पर लाना होगा, उसके बाद क्या करना है, जैसे वो सामने आए तुम्हें भी आईना लेके आना है, जैसे वो देखे उसके पीछे तुम्हें एक और आईना लाकर रखना है, उसके बाद एक आईने से आत्मा का रिफ्लेक्शन दूसरे आईने में जाकर रिफ्लेक्ट होगा, तब जाकर दोनों आत्माएं बंध जाएंगी, उसके बाद थोड़ी ही देर में ये दोनों आत्माएं धीरे धीरे मर जाएंगी। केपी, ओके सर, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ सपने में चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। केपी, सर, अब से तुम सपने के अंदर सावधान रहना। ओके सर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ।
किसका घर ये? मेरी आंटी अलीशा। मैं अपने बचपन में यहाँ खेला करती थी, मुझे याद है। तब मुझे आंटी ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, फोटोज भी दिखाती थी। बस काम में रह गई थी आंटी, उम्मीद करती हूँ आप ठीक हो। क्या आप कुछ जानती हैं वो कमांडर रॉबर्ट लैंगटन? उनकी तो शादी होने वाली थी ना मैकडेलन से। हाँ मैंने सुना है, उन्होंने पैलेस में काम करने वाले सोल्जर्स को मार भी दिया था। ये मद्रास में 1930 में हुआ था। उन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था, आप खुलकर कुछ बता सकती हैं क्या? मुझे लगता है मैकडेलन बहुत खूबसूरत थी, कमांडर रॉबर्ट की हाइट 6.3 फीट थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते। पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो बेटे? क्या हुआ? आंटी जितना बोल रही है, अंदर जो मेल घोस्ट है उसकी 6.3 हाइट तो नहीं है। अच्छा इनसे पूछिए ना कि उनकी कोई फोटो या पेपर कटिंग इनके पास है क्या? ओके एक मिनट, ये उस समय के ब्रिटिश आर्मी की फोटोज हैं, ये कमांडर रॉबर्ट है। चाहे जो भी हो लेकिन ये रॉबर्ट की शक्ल उस भूत से तो बिल्कुल नहीं मिलती। अगर सपने में आने वाला रॉबर्ट नहीं है तो अच्छा इसका रिमेनिंग पीस कहाँ पर है ना? देखती हूँ, ये लो बेटा देखो। माया मंदिर वाला भूत रॉबर्ट नहीं है, विलियम है। What happened, Maya? Nothing, Auntie. Thank you so much for your help. You take care, huh? What? Kab? Doctor. Yes? क्या हुआ? How is he? हार्ट उनका 40% ब्लॉक हो गया है, माइल अटैक है, एंजियोथेरेपी करनी पड़ेगी। हम लोग थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं ना? कोई चांस नहीं, एटलीस्ट 2 days तो रेस्ट करना ही होगा। 2 days? अरे अरे अरे, चाइना फोन की तरह रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है मामू ने। कितना टाइम हो गया ये स्टैंड बाय पे ही है। हमारी हालत तो देख रहा है ना? हाँ? मुझे जल्दी आओ बोल के यहाँ पर घंटी बजा रहे हो। मैं कहाँ बजा रहा हूँ बेटा, ये तो अपने आप बज रही है। ये देखो, ये देने के लिए मुझे बुलाए हो? नहीं बहुत जरूरी बात है, ये हमारे घर का पेपर है। सन 1930 में कमांडर रॉबर्ट के घर को तोड़कर इस जगह को नीलामी में बेचा गया था और मरिप्पा चिट्टी ने इस जगह को खरीदा था। हाँ और उसी बंगले की जगह पे ना तुम्हारे दादा ने ये घर बनवाया था। तो इसलिए वो ड्रीम कैचर यहाँ पर पड़ा हुआ है क्या? हाँ बेटा। किस जगह पर घर बनाया है आपके पापा ने? हाँ तो तू नया घर खरीद लेना। ए, तू भूत भगाने वाले से मिलने गया था ना, उसने क्या कहा? माँ आज रात वो सपने में हमारे साथ चलने के लिए तैयार थे। हाँ? लेकिन बीच में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। माँ अरे रे 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 रे। अब 2 दिन लगेंगे डिस्चार्ज होने में। हे भगवान। इसलिए उनके आने तक तो हम लोग सो नहीं सकते। मेरे पास ना एक बेस्ट आइडिया है। क्या? பக்கத்தெருல ஆறுமுக தாத்தா இறந்துட்டார். கல்யாண சாவு வேற காலையில தான் எடுப்பாங்க, நைட் ஃபுல்லா கானா வீணா கூத்துன்னு பயங்கர ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும். கேவலமான ஐடியா தான், ஆனா கல்யாண சாவுன்ற எப்படியும் நைட் பூரா உட்காரி ஆட்டம் பட்டம் இருக்கும். மாப்பிள சாவு வீடு பரவாயில்லையா? ஆமா தாயில படுத்து பேய் வீட்டுக்கு போறதுக்கு சாவு வீட்டுக்கு போறது எவ்வளவு மேல். ஆமாடா சரி கிளம்புங்க எல்லாரும். தின்றது பேக் பண்ணிக்கடி. நீயே என்ன ஸ்டார்ட் பண்றது? அழுகை ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? டேய் இவ வந்து அவளுக்கு எங்கடா அழுகை தெரியும், துண்ணு தான் தெரியல அக்கா. மாமா மாமா இதையா நினைச்சு அழுமா? ஓடா நல்லா இல்ல நல்லா இல்ல. ஆமாடா எனக்கே இது பிடிக்கலடா. दूसरा कोई आइडिया बता. आप सोचो कि पापा खो गए. hey. उसी हिसाब से रोना. मैं खो सकता हूँ. जल्दी करो ना मां.
मेरे खोने पे ये हंस रही है। माँ, आपने वो 5 तोले का सोने का हार खरीदा था ना, वो खो गया है। सोना खो गया तेरा? यही मैटर है, अब रोना स्टार्ट करो। चलो होगा रियल बहुत कैसे हो गया इनके साथ ये सब? नमस्ते तिरुमा। क्यों चले गए क्या बोल रही हो दादी? सोते सोते नींद में ही चले गए। अरे बाप रे, ये तो बड़ी बुरी बात है, नींद में चले गए। दादी इतने समय से तो नहीं लग रहा कि ये चले गए। सोते सोते कौन जा रहा है? ये रोना शुरू करो। ये लोग मुझे यहाँ उठा के क्यों लेके आए? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, मैंने उठा के लाने के लिए कहा था। कृष्णा तो चला गया सपने के अंदर, जब तक वो चावी लेकर आएगा हम दोनों साथ में रहेंगे। ओ बॉस, सब लोग मेरी बात कान खोलकर सुनो, आने वाले 10 दिन तक कोई नहीं सोएगा। क्यों भाई? अब मामू हमेशा के लिए सोएंगे। एक क्या बोल रहा है? सॉरी मामू। हाँ तो ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि अपना एक फिटनेस रिकॉर्ड बनाओ, गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। ये डॉक्टर मदद करेगा, तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो डॉक्टर जॉनी से कंसल्ट करना। दिमाग खराब है क्या? तू समझ के क्या रखा है मुझे? मैं साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हूँ, रात वाला डॉक्टर समझ लिया क्या? बोलना, दोबारा ऐसा गंदा सवाल पूछा तो तेरा झुंझुना उखाड़ के फेंक दूंगा। चल भाग। अरे बाप रे, सब लोगों ने रोना क्यों बंद कर दिया? मुझे ही शुरू करना पड़ेगा। ए लज्जू, तोड़ना बहुत मुश्किल है डॉक्टर, दूसरा तरीका बताओ। आइस क्लोज मत करना मामू, नहीं तो आइस बॉक्स में डालना पड़ेगा। ये क्या है? ये लाफिंग गैस है, एक बार इसे सूंघ लिया ना तो किसी को नींद ही नहीं आएगी, चांसी रोक नहीं पाएगा। ये क्या करने के लिए आए हैं? इसके सामने खड़े हैं, ये हंस के अपन लोगों का मजाक उड़ा रहा है। आजा आजा आजा, लड़ेगा क्या? अब नींद आ रही है, उन्हें उठा के आप वहाँ पे सो जाइए। पिताजी तू चुप करना रे। बाबा ऐसे बुला रहे जैसे उठा के इसको खाना खिलाएगी। मामला ठंडा हो गया, बहुत नींद आ रही है। श्रीनगर में भी कोई मरा है, वहाँ चलते हैं क्या? चुप कर, मैं इधर ही परफॉर्मेंस दूंगी। बाबा क्यों? बाबा उठा दिया बुड्ढे को, 20 कप खरीद के लाया हूँ। सोए तो नहीं ना? हाँ अभी तक तो नहीं, 12 चाय पी चुका हूँ अब तक। अच्छा सर कैसे हैं? He's recovering. जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तुम्हें सब मैनेज करना ही होगा। हाँ बस बस जागी रहो, मैं कुछ दूसरा आइडिया सोचता हूँ। तू सो गया क्या बेटा? आए कृष्णा, वो सो रहा है, तू क्यों परेशान कर रही है? नहीं सोया नहीं हूँ, सोया नहीं, सोच रहा हूँ। सोच रहा है? देखा ना मामू को, एकदम जेट वाटर पायलट की तरह सो रहे हैं। अरे 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 मामू, अरे मामू आप मामूली आदमी थोड़ी हो, आप सोए थोड़ी, आप तो सीधा बैठ गए थे। अबे चढ़ाना बंद कर, थोड़ी सावधानी हटती तो जल्द समाधि बन जाती। मामू आपको कुछ नहीं होगा, मामू आप डेविल हो, 1000 जन्म लोगे ऐसे ही रहोगे। तेरी तो एक ही जान है ना, वो भी मेरे हाथ से ही जाएगी। सुधरेगा नहीं। ए डॉक्टर, क्या हुआ सर, ये क्या हालत बना ली है आपने? ये नया सेटअप है। तुम बाप बेटे नमूने बन के क्यों बैठे हो? हमें नींद ना आए इसलिए टेप चिपकाया हुआ है, अगर कोई नया आइडिया तो होगा तो वो भी कर लेंगे। आजा ये डॉक्टर, ये क्या कर रहे हो? अबे आइडिया आ गया, सब लोग ब्रीथ अंदर लेने का। 1 2 3 4 5 6 7 है सीधा, तू जहाँ चले जाएगी। तू क्या लग गए? मेरा चेहरा इतना गंदा है क्या? क्या बोल रहा है अपनी माँ को? आजू बाजू के सब लोग नेवले जैसे दिख रहे हैं ना। ये सब तुम कैसे जानते हो? जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। डॉक्टर ऐसा लगता है यहाँ पे कोई दुष्ट आत्मा है। ऐसा कुछ नहीं है कृष्णा, कल से जो जैसा सोचेगा वैसा ही दिखेगा, मतलब केमिकल लोचा। अरे क्या हुआ डॉक्टर? ऐसा कुछ नहीं यार, अपन इतने दिनों से सोए नहीं है ना, इसलिए हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गया है। जिस चीज से डर लगता है सामने वाला वैसा ही दिखता है। तो इसका क्या इलाज है डॉक्टर? मैं एक टैबलेट लिखता हूँ, जल्दी जाकर लेके आना। मैडम जरा ये दवाई दे देना। प्रिया ये दवाई स्पेशल के लिए,
ओके सर, ये 90 रुपीज। चेंज तो अपने पास में रखे। हेड्स डाउन, हेड्स अप। इस घर के डॉक्टर के पास फंसने से अच्छा है वो सपने वाली भूखी सही थी ना लक्ष्मी। लाया क्या? लेके भी आया, दो टैबलेट में खा के भी आया। ला ला, दवाई मैं पहले खाती हूँ। आराम से आराम से, नहीं तो गले में अटक जाएगी। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब लोगों ने टैबलेट खा लिया है, बस 5 मिनट रिलैक्स। पांजे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है भाई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा क्योंकि अपना टैबलेट बहुत पावरफुल है। गाय की पावरफुल, लेने के बाद भी नींद आ रही है। ऐसा क्या, जरा देखता हूँ। टैबलेट तो सही है ना? अरे बाप रे, मामा सच में मामा है, क्या लेकर आया? अरे बाप रे, नींद की गोली है यार। अब मैं क्या करूँ? मैं सोना तो नहीं चाहता था लेकिन नींद की गोली खाने से नींद लग गई। झंडा मैं மாத்திரையா மாத்தியா இங்க குத்துட்டு நம்மள மாட்டி விட்டான். இங்க எங்க எது இருக்குன்னு தெரியலையே. பண்ணு பண்ணு வர மாதிரி இது. அம்மா ஐயா ஐயா அம்மா ஐயா அம்மா பேக்ல இருந்து பாத்தீங்க அம்மா அம்மா கண்ணா மா என்னடா தூங்கிட்டோம் பயமா மா ஐயோ அம்மா வந்து உதிர போயிடலாம் அம்மா கண்ணா எங்க இருந்தாவது வந்துரு போதுரா குயின் எலிசபெத் கவுன் மாதிரி இருக்குது டாடிஸ் லிட்டில் பிரின்சஸ் மாதிரி இருக்க ஃபேஸ் மாஸ்க் சூப்பர் காஷோலா இருப்போம் வாவெண்ணிலா உன்னை தானே வாழும் தேடுதே தேலாடை மூடிய மதிலே நான் நிற்கிற அம்மா பாத்துக்கிற மாதிரி பாப்பாவையும் கட்டி பிடிச்சு பாத்துக்கிறேன். டாக்டர் எங்களுக்காக நீங்களும் வந்துட்டீங்களா? இந்த ட்ரெஸ் இல்ல ஏன்டா ஏழரை பூச்சி ஏழியனே, நீ இங்கதான் இருக்கியா? தூக்க மாத்திரம் வாங்கி எல்லாரும் தூங்க வச்சு இப்ப துக்கம் விசாரிக்கிற டாக்டர் என்ன தேடுறீங்க? बेटा मुझे देखने के लिए चश्मे का इंतजाम तो कर दे। पापा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे, क्या चल रहा है यहाँ पे? उस पैलेस के अंदर कहीं कोई कन्नाड़ी नहीं था। कन्नाड़ी निंगे इंगे पत्र मर गए, ना ही पहुंच रहे डैडी कहीं तो उठ पा रहा उंगला नंबी तानी करे उन्ना आगा दिले डॉक्टर डोंट वरी उन्ना वादे पक्का हो पड़े ची आदो उपो मदर तो मुझे अर्थ उड़ गया डॉक्टर आत्मा घर चले के पहुंचे உப்பு பாட்டு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு டாக்டர். ஆமா டாக்டர், கை கொடுங்க. என்ன பிரச்சனை?
देख क्यों नहीं रहा? कहीं क्या? मैं चुपचाप निकलता हूँ। इसके पीछे मुझे कोई देख नहीं पाएगा। अच्छा हुआ ये मिल गया। माँ आप ठीक तो हो ना? पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या करें यार, पता नहीं। एक भूत और बची है, अगर उसको भी हम लोग फंसा देंगे तो सब लोग बच जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भूत भी दूर क्यों चले गई? माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैगडलिन को ये बात पसंद क्यों नहीं आ रही कि हमने विलियम को बांध के रखा है? तू बोला क्या चाह रहा है? विलियम को इसी ने मारा था तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? इसने हमें कुछ क्यों नहीं किया? ऐसी चुपचाप क्यों खड़ी है? क्यों इसे कुछ करना चाहिए था? तो हम इसी से पूछे क्या माँ? डॉक्टर जरा जाकर भूत से पूछ के आओ ना। क्या माँ, तुम्हारे बेटे ने मुझे फंसाया, मैं क्यों जाके पूछूं? अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसे ही भेजो, मैं भी जानना चाहता हूँ। पापा आप ये सारे काम बहुत अच्छे से संभालते हो, तो आप जाके पूछो। अरे तू चुप कर जरा। ए शेखर। हाँ जी जी जी। कोई भी लड़की देखता है तो जम करके जाता है ना। आज तेरी इम्तिहान की घड़ी है। अरे चुप करो। लेविल भाई प्लीज। ऑल द बेस्ट भाई। वैसे तो मेरे में बहुत हिम्मत है, जाओ जाओ जाओ, लेकिन भूत से लड़ने की हिम्मत नहीं है भाई। अरे काय काय भाई। बेटा कृष्णा तू ही जाना। ठीक है जाओ जाओ, मैं ही जाता हूँ। जा जरा संभल कर। सुनिए ये विलियम जी अभी कहाँ है? और इन्हें हमने बांधा तो तुम नाराज क्यों हो रही हो? ये तो बुरे इंसान थे ना? नहीं वो नहीं थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? In 1930 मद्रास में ब्रिटिश गवर्नमेंट में मैं एक डॉक्टर थी। वहां पर विलियम नाम का एक सोल्जर था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी हमारी खुशनुमा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक कमांडर आया, रॉबर्ट। रॉबर्ट वैसे तो लोगों के सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक करता था, लेकिन अकेले में लड़कियों को बहुत टॉर्चर करता था। बहुत बड़ा विमेनाइजर था। ओके, ओके, ओके। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पैलेस में एक पार्टी अरेंज की। उसकी बुरी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे पाने की चाह में उसने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। उसने हमारी शादी की डेट अनाउंस कर दी। वो जानता था मैं उससे प्यार नहीं करती, विलियम से प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मुझे रोज टॉर्चर करता था। उसका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था। वो मुझे सेक्सुअली हैरास भी करता था और मैं ये सब घुट घुट के सह रही थी। You have no other option. रात में जब कोई नहीं होता था तो मैं और विलियम रागस्यमा संदीप। एक दिन रॉबर्ट गवर्नमेंट के काम से कहीं बाहर गया था। उस दिन विलियम एक तांत्रिक से मिला और उसे हमारी समस्या बताई। उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बचा सकती, पर एक तरीका है। मैं ड्रीम वर्ल्ड के अंदर सबकी आत्माओं को कैद कर सकती हूँ। एक बार जो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा कभी बाहर नहीं जा पाएगा। उसी रात विलियम उस तांत्रिक को महल के अंदर लेकर आया। उस दिन उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से महल के अंदर एक ड्रीम वर्ल्ड बनाया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। विलियम ने ड्रीम कैचर के पंख को तोड़ दिया।
अगर उस ड्रीम कैचर को दिखाकर हम उसके पंख को तोड़ेंगे तो हम ड्रीम वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये तरीका अच्छा था, हम रोज रात को सपने में तो मिल सकते थे। पर बदकिस्मती से हमारी बातों को एक सोल्जर ने सुन लिया। आने की नाइट नागतुंगी इन द ड्रीम पैलेस को वंदों। रॉबर्ट इलाम இந்த பேலஸ் எங்களுக்கு ஹெவன் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ வில்லியம் என்கிட்ட இந்த ட்ரீம்ல எங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அது நெஜத்திலயும் நடக்கும்னு சொன்னாரு. ஒருவேளை நாங்க இங்க இருந்துட்டா எங்க சோல் இந்த ட்ரீம் வேர்ல்ட்லயே மாட்டிக்கும்னு சொன்னாரு. இந்த ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல இருந்து வெளியே போறதுக்கு மங்கி பான் ஒரு பொருளை கொடுத்து அதுக்கான சில ஸ்பெல் வேர்ட்ஸ சொல்லி இந்த மங்கி பாக்கெட்ட இங்க இருந்து வெளியே போக ஒரு முறை மட்டும்தான் விஷ கேட்க முடியும்னு அந்த விஷ கேட்டு இங்க இருந்து வெளியே போயிடலான்னு அந்த விச் சொன்னதா சொன்னாரு. ராபர்ட் ஊர்ல இருந்து வந்ததும் அந்த சோல்ஜர் குழப்பத்தோட எதுவும் புரியாம நடந்ததை சொல்லிட்டான். தூங்கும்போது என் ரூமுக்கு வந்த ராபர்ட் நான் மறைச்சு வச்சிருந்த ட்ரீம் கேச்சரை எடுத்து எதுவும் புரியாம அவனும் ஃபெதரை பிச்சிட்டான். ஒன்னும் புரியாம ட்ரீம் பேலஸ்க்கு வந்த ராபர்ட் எங்க முன்னாடி வந்து நின்னான். ராபர்ட் எப்படி இங்க ஃபெதரை பிச்சிட்டு வந்தாங்கறத எங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டு வில்லியம் அட்டாக் பண்ணான். நான் வில்லியம்க்கு ஏதாவது ஆயிடும்னு பயந்து நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். அதை கேட்ட ராபர்ட் கோவத்துல வில்லியம கொல்ல பார்த்தான். வில்லியமால அவகிட்ட போராட முடியல. வில்லியம் அப்படி बताया था अगर इस मंकी के हाथ को लेकर हम इच्छा बोलेंगे तो इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर जा सकते हैं। देख तो मंकी है। मैंने मंकी के हाथ को लेकर विलियम को छोड़ देने की इच्छा जाहिर की। पर मेरे देखते देखते ही रॉबर्ट ने विलियम को मार दिया। रॉबर्ट ने मेरे हाथ से मंकी का हाथ छीन लिया और मुझसे पूछने लगा कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या कहना होगा। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया और वो भी वहीं पर मर गया। और जैसा कि मैंने बताया जो सपने की जिंदगी में होगा वो असल की जिंदगी में भी होगा। उस तांत्रिक के मंत्र से हम तीनों की आत्मा यहाँ पर कैद हो गई। यही है इस ड्रीम वर्ल्ड की सच्चाई। तो ये है सच्चाई। रॉबर्ट की आत्मा हमें परेशान करके मंकी का हाथ मुझसे लेकर क्या कहना है ये पूछने लगा, पर हमने नहीं बताया, इसीलिए वो मंकी का हाथ अपने साथ ले गया। लेकिन मंत्र की शक्ति से रॉबर्ट यहीं पर फंस गया और उसके साथ साथ मेरी और विलियम की आत्मा भी तब से यहीं पर फंस के रह गई। इसलिए उन दोनों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। ए रॉबर्ट की आत्मा अभी तक है क्या भांजे? पहले आप खुद को संभालिए मामा। मैग्डलिन, वो हमें सपने से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? मंकी का हाथ ही आखिरी रास्ता है, उसे रॉबर्ट अपने साथ लेकर चला गया। एवरीथिंग इज गॉन। मैं बोल रहा था ना निकलते हैं यहाँ से, अब देख फंस गए। தூங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஆள் தான் ஹாலுசினேஷன் டேப்லெட் சொன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் வாங்கி கொடுத்தான். டாக்டர் எங்க? டாக்டர் டாக்டர் வெட்டப்பட்ட குரங்கோட கை மங்கி பாதா சார். சோ மேக்டலின் அண்ட் வில்லியம்னால இனி எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதுக்காக நாங்க காலம் பூரா அந்த பேங்களோட கடந்து சாவணுமா? இப்ப அது மட்டும் ப்ராப்ளம் இல்ல, நீங்க அந்த ரெண்டு ஸ்பிரிட்ஸையும் மிரர்ல லாக் பண்ணவே இல்லை. அப்படி ஒருவேளை 24 மணி நேரத்துல கண்ணாடி உடைஞ்சு வில்லியம் கிட்ட ஆச்சுன்னா மேக்டலின் உங்களை கொடூரமா கொண்டுடுவா. ட்ரீம்ல இருந்து சுதந்திரமா வெளி உலகத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்ட ராபர்ட் ஸ்பிரிட்டோட சேர்ந்து மங்கி பாவம் மறைஞ்சிருச்சு. சோ வாட் இஸ் பிளான் பி சார்? மேக்டலின் ஒரு வில்லியம் கோ ஹெல்ப் பண்ணி வாலி ஹை கோய் பவித்ர ஆத்மா. பவித்ர ஆத்மா? अच्छा काम करने वाली। ये जो पवित्र आत्मा होती हैं, वो अपने राज छुपाने के लिए किसी चिन्ह का इस्तेमाल करती हैं। जस्ट ए सेकंड,
सिंबल है ना? हाँ सर, मैंने जो आपको बुक दी थी उसका सिंबल देखिए। डॉक्टर या मर्लिन। सर क्या हुआ, इसमें क्या है? ड्रीम से बाहर निकलने की जो की है वो ड्रीम कैचर के पंख से ही बनी है। ये बात बिल्कुल सही है सर, हम कैसे पंख तोड़ के इस सपने के अंदर गए? वैसे ही अगर सपने के अंदर जाके हम पंखों को तोड़े तो वापस हम रियल लाइफ में आ सकते हैं ना? हाँ, लगता है इस बुक में यही बात लिखी है सर। नो, मुझे तो ये आइडिया सही नहीं लग रहा है। We need some more time to understand this. वो मंकी तो रॉबर्ट के साथ चला गया। सर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सर। सुनो, मिरर के टूटने से पहले हमें कुछ करना होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा। तो क्या हम सपने में ड्रीम कैचर को नहीं ले जा सकते? जा सकते हैं, पर एक ही रास्ता है, पिट्टाग्राम मेथड। ये तो बस फॉर्मेलिटीज लग रही है। बेटा, तुझे भरोसा तो है ना सब ठीक हो जाएगा? जरूर होगा माँ, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। केपी, तुम यहाँ जमीन पर सो जाओ। ए, जमीन पर ऐसे सोएगा, चटाई बिछा कर सो। इसकी माँ तो तकिया लाने के लिए कहना भूल गई। माँ, ये मैडम ब्लैक मैजिक करने जा रही है और तू बोल रही है चटाई बिछा के सो जा। ओ, मैजिक शो होने वाला है क्या? यहाँ पे भूत लोग भी आएंगे। सुना ना, ये एंटिक पैदा हुआ था या खरीद कर लाए? हे भगवान, ये ड्रीम कैचर के चक्कर में मुझे मत फंसाना, मेरी जगह इन दोनों को फंसा दे। लो, अब ये नमूना भी आ गया। सो, ऑल सेट। पता नहीं क्या जादू दिखाएगा। केपी, देयर इज अ स्मॉल रिस्क। कैसा रिस्क? जब तुम पेंटाग्राम में सोओगे तब तुम पर ब्लैक मैजिक किया जाएगा और ड्रीम वर्ल्ड के कारण ही तुम ड्रीम कैचर को ड्रीम में ले जा सकते हो। अगर ये वाला तरीका काम नहीं किया तो कहने का मतलब है ड्रीम कैचर के पंख वाला आइडिया काम नहीं किया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। दिस इज योर लास्ट ड्रीम। क्या बात कर रहे हो, हम चिल्ला चिल्ला के उठाएंगे। अरे पानी डाल के उठा देंगे। हाँ, चाहे पानी डाल के उठाओ चाहे चिल्ला के उठाओ, केपी दोबारा नहीं उठ पाएगा। इसे आप लोग कोमा कह सकते हैं। अरे बाप रे, ऐसे बोल रहे जैसे गोवा जा रहा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बेटा कृष्णा, ये क्या बोल रहे, सुन रहे ना? सब लोग मुझे माफ कर दो सर, इन सब के फंसने का कारण सिर्फ मैं ही हूँ। जाने अनजाने में मैंने ही ये सब कुछ स्टार्ट किया था, इसे खत्म ही मैं ही करूँगा। आप शुरू कीजिए सर। तूने अंदर जाकर पंख तोड़ा और वापस नहीं आया तो? माँ, मैं आ जाऊंगा माँ, उस विलियम को कुछ होने से पहले मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ तो फिर तू अकेला नहीं जाएगा, माँ भी साथ जाएगी। माँ, मैं भी चलता हूँ, जो होगा साथ में देखेंगे। जीजा जी, फिर मुझे कौन पालेगा? अच्छा तू भी साथ में चल। चल देख रहा है ना, कोमा जाने के नाम से सारे डर रहे थे, अब ऐसे सो रहे जैसे गोवा जा रहे। इसने इमोशनली बात करके सबको लिटा दिया ना। डॉक्टर, अगर ये लोग पंख तोड़ के वापस आ गए तो? पहले भी ये हार्ट अटैक के नाम पे अस्पताल में अरे जाके सो गया था। हम नहीं जाएंगे तो ये फिर से बहाना मार के सो जाएगा। चल हम लोग भी साथ में जाके साथ में आएंगे। अच्छा ठीक है डॉक्टर। ये मेरा सेटअप है, आराम से सो जाओ। बेटा कहते हैं अगर हिम्मत दिखाओ तो गलत लिया हुआ फैसला भी सही हो जाता है, भरोसा रख। हमें अपनी दुनिया में आने की इजाजत दो, हम अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। अब जो भी होगा हमें कोई पछतावा नहीं, कबूल करो। माँ, ये भी अपने साथ आ गया। माँ, यस सक्सेस। रुको मामा, अभी तोड़ा नहीं है। तू समझा नहीं भांजे। ये क्या मामा, ये कब रख दिया? ऐसे घूर क्यों रहा है भांजे? उसने हाथ उठा दिया था, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने ये ले लिया। माफ कर दो बेचारे ने एक्स्ट्रा पैसा देकर लाया। भांजे, मामा को बिना काम के हल्के में मत ले। तुम भी ना माँ, पहले हाथ तोड़ो। माँ हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ। मैं जा रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत करना। ऐसे बात कर रही है जैसे बरसों से बिछड़ी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों यार,
तूने बंद तोड़ने के लिए सबसे पहले अपनी माँ को क्यों भेजा? तेरी माँ के अलावा यहाँ और कोई नहीं था क्या? तो क्या तेरी माँ को भेजेगा पागल? बेटा तूने सही किया। ये लोग नहीं उठ सकते। आई हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन। ये वुडू डॉल यहां क्यों बंधा है? कुछ तो बात है। आप क्या बोलते हैं सर? यस यस यू आर राइट। हम जब इस डॉल को खोलेंगे तभी उसी समय जो चुड़ैल होगी वो हमसे बात करना चाहेगी। सही बात है। कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। It means something. हेलो आंटी। हेलो। हाय, दिस इज माया। या हाय। एक इम्पोर्टेंट मैटर की डिटेल्स लेनी थी इसीलिए कॉल किया। व्हाट डिटेल्स डू यू नीड? यू रिमेम्बर कमांडर रॉबर्ट एंड मैगडलिन? उन लोगों के मरने के बाद तो ब्रिटिश सोल्जर्स भी मारे गए, तो स्विच की डिटेल्स बाहर नहीं आ पाई। मुझे नहीं पता माया। आंटी प्लीज, इफ यू नो एनीथिंग एट ऑल बता दीजिए। अगर आप बताएंगी तो शायद मैं एक परिवार को बचा पाऊंगी। What? माया क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? सर वो विच, मेल्किन डेव्स, माय ग्रेट ग्रैंडमदर। तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमदर? अब ये बुक तो उन्हीं की है। माँ, चैप्टर क्लोज। क्या हुआ बेटा, कुछ भी तो नहीं बदला? देखा ना, माँ बेटे दोनों मिलकर हम सबको कैसे बेवकूफ बना दिए हैं। देख नेचर के पंख वाला आइडिया काम नहीं किया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। दिस इज योर लास्ट डे। अब मरने तक यहीं रहना पड़ेगा क्या? सिर्फ मरने तक ही नहीं, मरने के बाद भी यहीं पर भूत बन के भटकना पड़ेगा। जगह तो बस चढ़ा के मजे में खड़ा है। माया सुनो, उस आत्मा से हमें बात करनी होगी। आई मीन तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर मेल्किन की आत्मा को मैं तुम्हारे अंदर बुलाऊंगा। सुन मला कोई लिबास, मेल्किन आओ। इतिहास क्या है? तीनों उस घर में बने। कमांडर रॉबर्ट मंकी टावर से बाहर निकलने के लिए विलियम और मैगडलिन की आत्मा को बहुत दिनों तक तंग किया। रॉबर्ट उसे खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने गुड्डा साथ में बांध दिया। तांत्रिक ने रॉबर्ट के बाल को उस गुड्डे के साथ लपेटकर पैलेस में पड़े ड्रीम कैचर के साथ बांध दिया। ब्लैक मैजिक होने के कारण रॉबर्ट कभी वहां से निकल नहीं पाता, इसलिए रॉबर्ट उस महल के अंदर ही कैद होकर रह गया। वो तांत्रिक गुड्डे को मिटाना चाहती थी लेकिन सोल्जर ने उसे गोली मार दी, इसलिए सब कुछ वहीं कैद हो गया। Oh my God, उन सब का कारण वो गुड्डा है। ड्रीम कैचर के सामने जो बंधा है वही सब खेल खेल रहा है, यही इसके अंदर लिखा है। तो मैं भी उस ड्रीम में जाऊंगी सर? No, I can do this. आप जानते हैं मैंने पहले भी ऐसी बहुत सारी आत्माओं को संभाला है। आप रॉबर्ट की आत्मा को कंट्रोल करने के लिए स्पेल कीजिए। हाँ।
அந்த விச்சு இந்த உள்ள டால் மூலமா ராபர்ட்டோட ஸ்பிரிட்ட லாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. நீங்க இப்ப அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க. कैमरा लेके क्यों घूम रहा है? पापा वो भूत वापस आ जाएगा, आपने इसको तोड़ दिया। हा? क्या मतलब? क्या करूं? ए, सब लोग यहाँ आओ, मंकी का हाथ देखो मेरे पास है, आ जाओ सब लोग यहाँ पे आ जाओ, जल्दी आओ। देखो मैंने रॉबर्ट से ले लिया है। आ जाओ चलो चलो। थैंक यू डॉक्टर। वो सीक्रेट वर्ड क्या है बताओ ना, ताकि हम लोग यहाँ से बच के निकल पाए। मैं तुम्हें वो सीक्रेट नहीं बताऊंगी। लेकिन क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से किसी के अंदर रॉबर्ट है। I feel his presence. वो इस सपने से बाहर निकलने के लिए यहाँ किसी के शरीर में घुसा है। अगर वो बाहर आ गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ए बेटा, इनकी हरकतें सही नहीं लग रही। मैं एक काम करती हूँ, इनको चार लात मारती हूँ, तब ये जब बोलेंगे ना तब आवाज सुन के समझ जाएंगे। पापा हमेशा ऐसे ही लगते हैं, छोड़ो ना। तू नहीं समझेगा। क्या कर रही है? जानबूझ के मुझे कब से लगातार मारती जा रही है। अरे रे रे, ये तो पापा है बेटा। मैं तुझे कोई डाउट है क्या? इसको देख। जरा गाना गा के बताओ तो। आई डोंट नो दैट मैन। अभी तक तो तुमने कभी इंग्लिश में बात नहीं की। बिकॉज आई स्टडीड इन कॉन्वेंट। कॉन्वेंट में? ऑफ कोर्स। अब तेरे से मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। ए रॉबर्ट, ब्लडी स्काउंड्रल, ब्लडी फूल। देखो ना अपना बेटा कितनी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है। तेरा बेटा बात नहीं कर रहा है, गाली दे रहा है। पागल, बिल्कुल तेरे पे गया। इसको क्या हो गया? डॉक्टर,
Give it to me. Give it to me. Sorry, man. Give me the monkey hand. माँ को कुछ मत करना, ये मैं तुमको देता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, इसको मत देना। ये लो, ये लो। नहीं दिया। बेटा, जल्दी जल्दी। हमारे सामने ये सब के सब हीरो बन रहे हैं। इन लोग के चक्कर में हम भी गॉड के पास चले जाएंगे, हाँ? अरे बाप रे, हम तो गए। Of Morpheus and ask what you fish for. You all will die. We'll be stuck here forever. Monkey ke haath ko bata de beta. In the name of Morpheus, release the soul.
अपनी बोतल इधर लो। इस टाइम पे भी उसको पीने की पड़ी है। देखा ना, आखिर मामा की दवाई ने सबको बचाया है। अरे यार, ये बेवड़ा तो काम का निकला। बेटा, आखिर में आग मिली गई। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इन द नेम ऑफ मॉर्फियस, रिलीज द सोल ऑफ विलियम मैकडनेल। निरंजन, बाय बाय। जगदीश, जॉनी और डेविड, माया और कृष्णा। बेटा, एम्बुलेंस को फोन करो। मैं ठीक हूँ माँ। आई एम सॉरी, आई एम। मैं भी सपने में तुम्हारे साथ आना चाहता था। हाँ मालूम है, अभी चुप हो जाओ, दिमाग मत खराब करो।